आपके भाई ने दम तोड़ दिया, इधर ही चक्कर आने लगी, लिटरली चक्कर आने लगी। मैंने जो गलती कर दी आप वो भी गलती मत करना गाइस, अभी रिग्रेट हो रहा है इसे बैठ कर। इधर आने के बाद रास्ता चुकते हैं। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेल योर लाइफ। ब्लॉग बना रहा हूँ राइट नाउ, वी आर इन धामन सिंह जो रोहा में आता है। मैं लोकेशन डाल दूंगा आपको आना है। तो फिलहाल काका के और चल रहे हैं। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे पीछे ताज़ा ताज़ा गाँव का व्यू। अभी इतनी बारिश नहीं गिरी, जब बारिश गिरेगी ना अभी क्या ही दिखेगा, एकदम हार्ड, समझ रहे हो। तो यो गाइस, या फाइनली वी आर अलोन ट्रैवलिंग विद दिस गाय आयुष। आयुष ना शर्मा रहे, काका बोले इसके साथ घूम ले, क्योंकि बता देगा किधर क्या है और किधर की। आई डोंट नो मेरी आवाज़ आपको आ रही है एग्जैक्ट, इन वॉइस क्योंकि एयर फ्लो चल रहा है, इसकी वजह से आवाज़ नहीं दिखे, सीन होता रहता है। एक्सप्लोरिंग समथिंग पूरे पीछे ना एकदम हरा भरा, अभी तो हरा भरा नहीं कह सकते एग्जैक्ट, थोड़ा थोड़ा ड्राई है क्योंकि बारिश इतनी नहीं गिरी, और पूरा माउंटेन से कवर एरिया है, चारों तरफ से माउंटेन है, चारों तरफ से एग्जाइटिंग प्लेसेस। तो फिलहाल इसके साथ जा रहे हम, ये अपना फ्री फायर छोड़ के मेरे साथ आया है। आई व्यू तगड़ा है, कुछ भी बोलो इधर का एकदम सही दिख रहा है। ग्रे वाला, दिस इज अ होटल ऑफ चाइनीज, द चाइनीज बनते हैं गाँव के साइड, ऐसे रहता है क्योंकि ऑब्वियसली यार तो अभी क्या ही करे, अभी कुछ नहीं, फिलहाल एक्सप्लोर करे ये जगह। मूवमेंट का पचका तो हो गया अपना, शर्मा रहे, एडजस्ट हो जाएगा विद इन हाफ एन आवर में। तब तक आप सिनेमेटिक एंजॉय करो इधर के। रणमस्तांची जात आमची अरभ्या कुणाला दावतर। वी आर जस्ट प्लेन ए चांस, ही सेज की इसने बोल दिया कि एक जगह पे ऐसा विजिट कर सकते हैं, इस जगह पे नाम के आउचित आउचित गढ़। तो इधर से विद इन 10 या 15 मिनट्स पे वॉक पे डिस्टेंस पे बोलते चल के आते, तो देख के आते इधर आए, तो देख के तो आते। और वांट टू एक्सप्लोर, मैं भी पहली बार नाम सुना, आई एम सो सॉरी, क्योंकि आई डोंट नो। इसने कुछ तो बताया कि इधर संगम ना, क्या नाम उसका एग्जैक्ट, गाँव का सोनगांव उधर के जो किलेदार है ना उनको एग्जैक्ट इधर का इतिहास, मतलब हरगढ़ के ना किलेदार रहते, जस्ट लाइक सूबेदार। आई एम सो सॉरी आई एम राइट प्रोनाउंसिंग, मुझे इतनी हिस्ट्री मालूम नहीं, बट बता रहा जितना मालूम है। एंड उधर वो गढ़ है एग्जैक्ट, गढ़ मतलब किला महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो आप उधर चलते हो, आपको दिखाते हो जगह कैसे, मैंने भी नहीं देखी, आपको भी दिखाते हैं और डालूंगे यूट्यूब पे, समझ लो इसने बताया, इसने छूटे नहीं। जो दिख रहा है वो वाला, दिस इज एग्जैक्ट फोर्ट। अभी इधर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, आई नो कैमरे में नज़दीक दिख रहा है लेकिन बहुत दूर है, बहुत मतलब बहुत दूर है। एंड इस जगह मोस्टली जो फार्मिंग कर रहे हैं इस जगह पे, क्या बोलते हैं, चावल की फार्मिंग कर रहे थे, तांदूल विच इज कॉल्ड इन मराठी। तो अभी देखो फार्मिंग चल रही है इस जगह पे, हर जगह, पूरी जगह, चारों जगह पे, क्योंकि इस साइड पे रनिंग बहुत ज़्यादा होती है, बारिश गिरती है क्योंकि चावल का बहुत ज़्यादा बारिश लगती है। जो अभी दिखा तो एग्जैक्ट जो दिख रहा है वाला, हाँ ये वाला ऊपर मेरी उंगली दिख रही है, वो ये फोर्ड एकदम एग्जैक्ट वो जगह पे। एंड दिस इज हाउ एग्जैक्ट व्यू, कि इधर से हम लोग जाने वाले उस जगह पे, पूरा एकदम भरा। और इसने क्वेश्चन हिस्ट्री बता दी कि उसके ऊपर 7 तल है, तल मतलब तालाब है 7 वाटर के। उधर ऊपर जब जाते ना आपको दिखा देंगे, जाएंगे तो इन केस, अभी मेरे मालूम नहीं जाएंगे कि नहीं, इधर से बहुत ऊपर दिख रहे हो वाला। अभी देखो 7 तल, और उधर तोप के गोले भी मिले थे एज इसका इसका कहना है, क्या भी मालूम, मेरे को भी पहली बार समझ में आ रहा है बहुत सारी चीज़ें इस जगह के। वी आर फिलहाल जिस गांव में जिसका नाम है वो आंदोड़े, एंड इसके ऊपर इसके जैसे रास्ता जाता है उधर जाने के लिए गढ़ के ऊपर, समझ लो। तो जैसे पहले एग्जैक्ट ऊपर फोर्ट है, और नीचे जो संत ज्ञानेश्वर जी का मंदिर वांदोली, और इधर स्कूल भी। आप जब आ रहे हो आपको लोकेशन में बता देता हूँ, ये व्यू के ऊपर बराबर वो वाला गढ़ फोर्ट। इधर का व्यू ही हार्ड है, कुछ भी मंदिर में अंधेर है कुछ नहीं। फिलहाल हवा के मजे लेते लेते जा रहे, बारिश थोड़ा सा, और हम
हमारे कौन, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने आराध्य देवत। इधर से देखो, इधर से अपन आए हैं एंड डैन इज रास्ता इन गोइंग टू अपसाइड। ये ऊपर चलते सबसे पहले, एकदम डेंजर एरिया है। आप तो छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति दिख जाएगी, ये वाली जानता राजा। इस जगह पे आ रहे हो ना, किसी भी गाँव वाले को पूछ सकते हो कि ऊपर कैसे जाना, आपको सीधा ऊपर आके रास्ता छोड़ देंगे, इतनी झंझटमारी करने की जरूरत नहीं है। और मेरे पीछे का व्यू तो देखो एक बार, एकदम तगड़ा, पहाड़ों में घना हुआ फोर्ट किला। बाय बाय बाय, ऊपर पुल भी लग रहा है मेरे को एक छोटा वाला, थोड़े से मिनट एक छोटा एंजॉय करो। तो सोचो गाइस, जब बारिश हुआ होगी एकदम तगड़े वाली, इधर तो पूरा वाटर बाउंड्रीज हो जाएगी एकदम तगड़े वाली, एंड जस्ट लुकिंग सो मच हार्ड एंड ब्यूटीफुल, पूरा हरा भरा जंगल और जंगल में घिना हुआ अपना फोर्ट। भाई क्या ही तगड़ा दिख रहा है यार, कितना ऊपर है, आपको छोटा लग रहा रहेगा लेकिन बहुत ऊपर है, बहुत मतलब बहुत ऐसा लग रहा है कि इधर ही है, लेकिन देखिए किधर है और हम किधर, देखो आप एग्जिट। गढ़ के ऊपर जाने का जो रोड है, इस तरफ से नहीं, इस तरफ से पूरा ऐसा घूम जाके ऊपर जाना पड़ेगा। और इधर जरा सेफ्टी रहना, क्योंकि इधर बहुत सारे सांप रहते हैं एज मेंशन यू। और शूज पहन के आना है एज यूजुअल, मैंने पहनी चप्पल और इसने पहनी सैंडल, तो अभी क्या करें। अचानक पहनने का अपना प्लान बन गया तो निकलने का, तो निकल लेते। इसके ऊपर आई डोंट नो किसी ने यूट्यूब पर वीडियो बनाया रहेगा, आई थिंक सो, किसी ने बनाया वीडियो यूट्यूब पे, आई थिंक मैं ही पहला रहूँगा, नहीं रहूँगा क्योंकि मैंने अभी तक सर्च भी नहीं किया इसके बारे में, क्योंकि मेरे इधर रेंज नहीं है, समझ गए। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना इस, इधर तक ब्लॉग देख रहे हो तो। एंड हाउ द एग्जैक्ट व्यू गड़ाच्या पायथ्याशी, इधर भी वाटर बाउंड्रीज है। एक जगह मैंने बहुत सारे फोटो निकाल के हो चुके, क्योंकि थंबनेल के लिए फोटो तो चाहिए, तो इधर का एक व्यू एकदम वाइल्ड एंगल से तगड़ा आ रहा है, तो मैंने आई थिंक क्या बोलते हैं वो ही थंबनेल पे डालूंगा, तो आपने इसका थंबनेल देख ही लिया होगा अभी तक, समझ लो। तो ये कुछ तो अभी तक ये बना है क्या, अभी अभी ओल्ड वाला है यार, इन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कुछ तो पानी डैम छोटा था, तो एकदम रास्ता उबर खाबड़ है, कोई दिखा तो भाई ना के रास्ते पे चल रहे अपन। अभी देखो इधर तक आपको समझ में आया रहेगा किधर से और कैसे जाने का, चल जल्दी चल, आते तो अभी आए तो जाके देख ली तू ऊपर जाके, चल चल अभी आए तो जाके, इतना नज़दीक आके जाने का मतलब क्या फिर। तो राइट ना, वी आर डिसाइडेड गोइंग टू अपसाइड, ऊपर जाने का, ऊपर से आपको एक तगड़ा सा व्यू देते, मेरे पास ड्रोन नहीं तो मैं आपको एकदम प्यारा सा व्यू देता इधर से, एकदम हरी भरी झाड़ियों में, और इधर मंकी बहुत है इसने बताया, तो आ रहे तो संभल के आना, कुछ खाना मत ही लाना क्योंकि आपसे छीन लेंगे, आपको देना तो दे सकते हो बनाना एक्सेट्रा, एज यूजल आप पे डिपेंड है, समझ रहे हो। व्यू हाँ यार, व्यू का पैसा हाँ, एग्जैक्ट लुक दिस यूजल, ऊपर चढ़ते वक्त सनलाइट क्या हुआ, रास्ता भूल गए, नहीं हो रहा हो रहा, थोड़े से सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करो, आई होप यू लाइक इट। आप भी चुप रहना रहो ऊपर चढ़ते वक्त, खा पा रहा है। बाप रे,
गाइस थोड़ा ही ऊपर चढ़े लेकिन बहुत कपरी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ट्रैकिंग कर रहे हैं ना पापा भाई, ये भी थोड़ा डर रहा है यार। इधर सांप भी रहते हैं, इधर संभल के ना, हम तो ऐसे ही आगे माँ के यार, पानी की बोतल भी नहीं लगी। आराम से तो कचरा मत फेंकना, देखो इधर भी कचरा है क्या यार। और पानी की बोतल जरूर लेके आना भाई, हमारी फट रही इधर तक आने के लिए, हम और आगे बहुत चढ़ रहे हैं उधर खुल के। ओके गाइस, मेरे पीछे का व्यू देखो आप एक बार। हाउ ब्रो सिक, इज लुकिंग डैम। चलो ऊपर चढ़ रहे हैं अभी, बहुत इस बुलबुल है टाइप बहुत सारा इस जगह पे। इधर एक रास्ता आता है तो इधर एक रास्ते जाए और एक अलग रास्ते पे गए, बहुत बुलबुल है टाइप है भाई। माय ट्रैकिंग के लिए सही है, एक नंबर दिख रहा है यार। लाइक सब्सक्राइब करना भाई, इस घाव से लगभग हो रहा आपके लिए, मेरे को भी जाना। किधर से? ओके आपके भाई ने दम तोड़ दिया, इधर ही चक्कर आने लगे, लिटरली चक्कर आने लगी, छूटने बोल रहा हमें। एंड पानी की बॉटल भी नहीं लाया हमें, इधर से अभी प्लान करके नीचे जाते हैं नेक्स्ट टाइम जाएंगे इसके ऊपर, कॉज डिहाइड्रेट हो जाएगा पूरी तरह से। हाइड्रेशन के लिए पानी भी नहीं है एंड सीन ऑफ रीज़न कि हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जाने के बाद मालूम नहीं गए चक्कर आएगी। अभी मेरे को फ्लैश आउट होने लगा, आंखों में जरा लाइट लाइट परफेक्ट होने लगा, तो इधर बैठे और इसके बैठने के बाद अपन नीचे जाएंगे। आई एम सो सॉरी गाइस, इधर के लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैंने जो गलती कर दी आप वो भी गलती मत करना गाइस। अभी इच्छा ही चढ़ने की लेकिन बॉडी सपोर्ट नहीं करी लिटरली हैंड्स अप, क्योंकि मैंने वाटर बॉटल भी नहीं ली, पानी भी नहीं पिया, ऐसे ही हम अचानक भयानक प्लान चला। तो बोले कि चल के जाके देख लेते क्या सीन है क्या नहीं, लिटरली अभी ऐसा लग रहा है क्यों आया और क्यों चढ़ने आ जाएगा। आई ट्राई माई बेस्ट, मैंने जो गलती करी आप भी मिलती गलती मत करना, अभी रिग्रेट हो रहा है इसे बैठ कर। जो हमने बोला था मेंशन किया था गाइस, क्योंकि इधर आने के बाद रास्ता चूकते हैं, तो रास्ता चूक गए हम, अभी होता रहता है क्योंकि इसके ऊपर जाने के लिए ना बहुत सारे रोड्स डिवाइड है, मालूम हम इधर से गए थे उसके ऊपर जाने को रास्ता ही नहीं। तो अभी हमने डिसाइड कर दिया कि हम फिर से घर पे और जा रहे, क्योंकि इसने इस हम भी नहीं बताए घर से बाहर निकले, मालूम है इसने भी घर पे बताया नहीं कि हम जा रहे। तो समझ जाओ राइट नाउ वी आर लीव दिस एरिया बिकॉज ऑफ रीज़न, बारिश भी गिरेगी और इसको भीगना नहीं है, पसीने से तो लगभग हो चुके भाई, लेकिन अभी शरीर भी हिम्मत देने लगा कि तुम लोग निकल जाओ, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे। मेरे को भी रिग्रेट हो रहा है कि इतनी जल्दी नीचे, इतनी आधे में छोड़ के नीचे जाएंगे, नेक्स्ट टाइम वी विल बी डिसाइड टू कम हियर एंड एक्सप्लोर गोइंग टू अपसाइड। मुझे ऊपर जाके व्यू देखने का था यार, नेक्स्ट टाइम। चलो करते हैं अलविदा इसको, अभी मालूम नहीं हम कभी आएंगे, पॉसिबिलिटी बहुत कम है इधर आने की, क्योंकि ऊपर जाने के लिए जो फट रही है भाई अपनी, मेरी तो फटी बहुत है, इसकी तो कुछ फटी भी नहीं, इसको आदत है आने की। क्या बोलूँ कब आना होगा इधर, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ज़रूर ट्रैक करेंगे इधर का, तभी फुल पानी की बॉटल सब सामग्री लेके आएंगे, शूज वूज सब कुछ। आप भी मेरे ऐसी गलती मत करना, गलती से भी समझ लो मेरे जो कि हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट, डिहाइड्रेट हो गया था पूरी तरह से मैं, क्या भी करें। एनीवेज बाय बाय।